बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम खीर बनाएंगे, तो जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उस क्वांटिटी को आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने 100 ग्राम जो है ना चावल लिए थे, चावल जो है वो कच्चे 100 ग्राम थे, जिसको मैंने बॉईल करके, ये देखें एक बॉल जितना हो गया, ये थोड़ा छोटा वाला, तो 100 ग्राम चावल है ये, ठीक है। इसको बॉईल किया हुआ है। 100 ग्राम ही हमने खोया लिया है। 300 ग्राम हमने चीनी लिए। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात चीनी कभी ज़्यादा मीठी वाली आ जाती है, और कभी जितनी भी डालो, अक्सर चाय में ऐसा आपको भी लगता होगा कि एक टीस्पून से भी या दो टीस्पून से भी कम हो जाता है, लेकिन समटाइम ऐसी चीनी आती है कि 4 टीस्पून से भी वो उस क्वान्टिटी को पूरा नहीं कर सकती या उस जायके को नहीं लेकर आती। चीनी चीनी में भी फ़र्क होता है। हम 300 ग्राम चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, और 25 ग्राम मैंने बादाम लिए, बारीक बारीक काट लिया। सिर्फ 6 बादामों को मैंने छोड़ दिया डेकोरेशन के लिए, और ये थोड़ा सा, ठीक है। 6 से मैंने 7 अदद जो है वो छोटी इलायची का पाउडर तो नहीं लिया, दानी है। अच्छा, 25 ग्राम मैंने ये खोपरा लिया, ठीक है। इसको मैंने बारीक बारीक जो है ना कद्दूकश कर लिया। 15 ग्राम मैंने किशमिश, और 15 ग्राम ही मैंने पिस्ता लिया, ठीक है। अब ये क्वांटिटी आपने देख ली है कि ये है हिसाब किताब, और 2 किलो हमारा जो है ना हमने दूध लिया। दूध को हमने काढ़ने के लिए रखा हुआ है, जब ये उबल जाए तो, जैसे देखें आप इस चीज़ का भी ख्याल रखते होंगे कि जब दूध बॉईल हो जाएगा तो फिर हम उसमें चावल जो भीगे हुए होते हैं वो डालते हैं खीर में। तो मैं अपने घर में जो है ना, असल में मुझे हर वक्त जी जल्दी होती है, तो ये मैं इसमें नहीं डालती। मुझे तकरीबन, आप यकीन करें, 40 मिनट में इंशाल्लाह ये खीर तैयार हो जाएगी, क्योंकि चावल मैंने बॉईल कर लिए। अब क्या करेंगे, तेज़ चूल्हे पे बस इसको, ये जब उबाल आ जाएगा इसको तेज़ चूल्हे पे हम रख के पकाएंगे। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा कि जब हम चीनी डालेंगे तो वो बिल्कुल एंड में, जब हम उतारने लगेंगे ना खीर को, उस वक्त चीनी डालिएगा, क्योंकि चीनी अभी हम इसमें डालेंगे तो वो नीचे लग जाएगी खीर। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि चीनी को आपने एंड में डालना है, ठीक है। अब मैं शुरू करती हूँ। मैंने बॉईल किया हुआ ये दूध, उबला हुआ दूध है, लेकिन इसको मैं दोबारा जो है ना बॉईल कर रही हूँ, ठीक है। ये उबला हुआ दूध है, अब हम इसमें चावल डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चावल डाले हमने, 100 ग्राम चावल है ये, आप ध्यान रखिएगा। बिस्मिल्लाह, ठीक है, चावल डाले। अब हमने इसको तेज़ ही चूल्हे पर रखना है, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने हटना नहीं है। इधर उधर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि बस चम्मच चलाते रहें इस तरह। एक मिनट, चलो। अच्छा, ये इस तरह आपने तेज चूल्हे पे रखना है। चीज़ आपको मैं बता दूँ, है ना, ये जब मैंने चावल डाले ना, तो अब ये बस इसी तरह करते रहना आपने। तो ये तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हम इसको इसी तरह करेंगे, ये तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। और जब ये पकने के तकरीबन 10 मिनट, जैसे 10 मिनट रह गए ना पकने में, हम उसमें ये खोपरा डालेंगे, ठीक है, और किशमिश डालेंगे, ठीक है। बस ये दो चीज़ें डालेंगे, और खोया भी डाल देंगे, और ठीक है, इसको हिलाते रहें। दूध देखें बॉईल हो रहा है, साथ में इसमें चावल भी है। अब मैं इसमें छोटी इलायची के दाने डाल रही हूँ, ठीक है। इसको तकरीबन आपने चम्मच चलाते रहना है। अच्छा, इसकी जो है ना आँच इसकी तेज़ रखिएगा। देखिए फ्लेम मैंने फुल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, फुल चूल्हे पर इसको पकाना है ये, और लगेगी नहीं इतनी, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जब चीनी डालते हैं जब लगती है, ठीक है। चीनी आपने नहीं डाली, शुगर हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, जब बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी ना खीर हमारी, तो फिर उसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो उससे तकरीबन चीनी डालने से 2 या 3 मिनट पहले हम खोपरा और किशमिश ऐड कर देंगे। ये आपको मैंने पहले ही बताया, अब मैं दोबारा बता रही हूँ। बार बार रिपीट करने से ये होता है कि आप एक मरतबा रेसिपी जब मेरी एक मरतबा देख लो ना, तो आपको इतनी जहन नशीन हो जाएगी। मैं, और नॉर्मली मेरी आदत है कि मैं जो है ना ईजी तरीके से समझाऊँ, ना कि मुश्किल तरीके से, बहुत ईजी तरीके से समझाती हूँ, ताकि आप लोग बहुत आसानी से चीज़ों को बना सकें, और अपने जो है ना घर वालों को खुश कर सकें, और रिश्तेदारों को खुश कर सकें। और कभी कोई मेहमान अचानक आ जाए तो मुझे ही कहते हैं कि आप जो है ना कुछ पका दो,
तो उनको पता है कि ये जल्दी जल्दी कर लेंगी, क्योंकि मैं पूरे ख़ानदान में मैं इस बात से बहुत मशहूर हूँ कि ये बहुत जल्दी जल्दी बना लेती है। जल्दी जल्दी इसलिए बना लेती है, मुझे पता होता है प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी उसकी कैसे मेंटेन कैसे करना है। तभी तो मैं कभी, आपने देखा होगा बिरयानी वाली रेसिपी में मैंने प्याज पहले से लाल करके रखा था। तो जब करना ही है काम, सुबह से पता होता है चिकन है, चावल है, ये सारी चीज़ें तैयार करके प्याज तक मैं लाल करके रख लेती कि अचानक एकदम से किसी ने ऑर्डर करना और फ़ौरन से चीज़ तैयार। जैसे मेहमान आपके पास आए हुए बैठे हुए, तो या अचानक से उन्होंने फ़ोन किया एक घंटे के बाद हम आ रहे हैं आपके पास, तो आप क्या करें कि उस तैयारी को इतना कंप्लीट कर लें कि सिर्फ उनके बैठे हुए 10-15 मिनट में आपने चीज़ बना लेनी है। इतना अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी काम करें ताकि आप भी खुश वो भी खुश। ये मैं इस चम्मच से पका रही थी ना आपके सामने, तो मुझे आधा घंटा हो गया, ये थोड़ी सी मुझे देखिए थिक होना शुरू हो गई थी, तो मैंने 5 मिनट इसको इस चम्मच इस घोटने से ना इसको घोटा ताकि ये और जो है ना एक मिनट क्या इसको हो जाता है इतना ज़रा। हाँ अब सही है। अच्छा इसको करके ना इस तरह ये देखें थोड़ा सा इसको कम से कम 10 मिनट हमने इसको करना ताकि वो अच्छी तरह चावल जो है सही तरह हो जाए। ठीक है 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हमने इतना इसको पका लिया है, गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, जितनी थी कमी चाहिए थे हमने कर लिए। चले अब हम इसमें खोपरा डाल रहे हैं, किशमिश डाल रहे हैं, किशमिश धुला हुआ था। अब इसको थोड़ा सा इस तरह चम्मच चलाना थोड़ा सा, खोपरा और किशमिश डाल दिया हमने। सही है अब इसमें हम खोया डाल रहे हैं, ठीक है अब हम इसको उतारने लगे तैयार ही की। ठीक है अब हम इसमें चीनी भी डालते हैं, 2 मिनट सब रखते हैं इसमें चीनी डाल दें आप थोड़े देर। ये देखिए खोया डाला, जैसे ही चीनी डालेंगे ना उसको तकरीबन चीनी बस घुल जाए, तकरीबन चीनी जो है ना वो उसके दाना ख़त्म हो जाए फिर हम उसको खीर को तैयार उतार लेंगे। ठीक है खीर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्यारी तैयार हुई है। अच्छा चीनी आपने डाल दी, ये देखिए चीनी डाल के आपने बस थोड़ा सा मिक्सिंग करनी है, 1 या 2 मिनट हमने इसको पकाना फिर हमने इसको उतार लेना। ठीक है तकरीबन 2 मिनट हमने पकाया इसको, तो चीनी जो है ना मिक्स हो गई है, अब हम इसको उतार रहे हैं। ये मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया, ठीक है अब ये तैयार है, अब हम इसको डिश में डालते हैं। ये देखें नीचे से पतीली देखें आप, ज़रा सी भी नहीं लगी नीचे, पतीली वैसी की वैसी साफ़ है, लग जाती है ना नीचे खीर लग जाती है अक्सर लोगों की, ये देखें पतीली देखें आप खुद देखें कुछ भी नहीं लगी हुई। तो ये तरीका है कि आपने चीनी जो है ना बाद में डाली फिर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। ठीक है अच्छा अब हम इसको गार्निशिंग के लिए खैर इसको एकदम से फ्रिज में मत रखिएगा, इसको जो है ना हम आधे घंटे के बाद फ्रिज में रखेंगे ताकि इसकी थोड़ी जो ये अभी गर्म है ना ये तो मैंने आपको तैयार करके बतानी थी इसलिए मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। 6 बादाम मैंने जैसी मर्ज़ी आप गार्निशिंग करें बारीक और बारीक कर लें या
साबुत साबुत बादाम छिलका उतार के कर लें, आपकी मर्ज़ी है, आप पर डिपेंड करता है। ये तो गार्निशिंग के तो कोई मसला नहीं है, आपने कम लेना है ज़्यादा लेना है, बादाम पिस्ता कम लेना है कम ले लें, ज़्यादा लेना है ज़्यादा ले लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा ये जो है चलो सही है, ठीक है। ये ज़रा अंदर घुस गया। चलो ठीक है, हमारी खीर तैयार हो गई है, बहुत ज़बरदस्त सी हो गई है तैयार। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। तो पंजाबी में दसदा 100 ग्राम जड़ ना मैं चौल ले सन कच्चे, तो उन्होंने उबाल लिया सी, उबाल के ना तो 2 किलो दुध सी, दुध काढ़ के तो कच्चे चौल जो भिओ के तो उबाले सन ना, उन्होंने पानी च उबाल के ना 2 किलो दुध जरा कड़ा तो उस पा के तो पकने तार दते, तो इलाची का पाउडर पाता या दाने पा दो, वैसे ही 6-7 दाने सन पा के पकना तारता, तेज चुले ते फटाफट फटाफट तेज चुले ते बस चमचा चलाते रहो, आखिरी 5-6 मिनट तक घोट ना चलाओ ताकि वो जो गाढ़ी होनी शुरू हो जाए ताकि वो चावल ओवर फेजन। फिर उस तो बाद किशमिश तो खोपरा तो खोया वो भी पाता, फिर उस तो बाद आखिरी चीनी पा के तो उतारता, आखिरी चो बादाम पिस्ता पाता, खत्म तैयार। तो खाओ, मज़े करो, इंजॉय करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।